नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। रहिकवारा पंचायत में प्रधानमंत्री आवास में घोटाला हुआ, यह सबको मालूम है। सतना जिले के सांसद, सतना जिले के तमाम विधायक, प्रदेश के पूरे विधायक और जिम्मेदार अधिकारी इस बात से वाकिफ है कि इस पूरे घोटाले की पंचायत से लेकर देश की सबसे बड़ी संसद लोकसभा तक गूंज सुनी गई। सरपंच और सचिव जेल गए, अधिकारियों ने जांच करने की बात कही। 6 महीने से जांच चल रही है, अभी हो सकता है 5-6 साल तक और जांच चले, क्योंकि ये सतना जिले के काबिल और योग्य अधिकारी हैं। इन्हें इस बात की पर्याप्त छूट है कि 5 साल 6 साल, कहिए तो 50-60 साल तक इस पूरे मामले की जांच कर सकते हैं। सतना जिले के जिम्मेदार अधिकारी किस तरीके की जांच कर रहे हैं, कैसी जांच कर रहे हैं, आज तक किसी भी सतना जिले के जिम्मेदार नेता ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि जांच के नाम पर कई लोगों को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है। यह जानने की भी कोशिश सतना जिले के किसी भी नेता ने नहीं की कि आखिरकार सतना जिले के जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले में गांधारी की तरह आंख में पट्टी बांधकर क्यों बैठे हैं और कान में मिट्टी का तेल डालकर इस पूरे भ्रष्टाचार की आवाज को अनसुना क्यों कर रहे हैं। ये सारी बातें समझ से परे हैं। इस तरीके से सतना जिले के सत्ताधारी दल के नेता और विपक्ष के नेता इस पूरे मुद्दे पर रहिकवारा से लेकर नागौद तक और नागौद से लेकर सतना जिला मुख्यालय तक कायदे से आंदोलन, प्रदर्शन, धरना करके जिले के अधिकारियों के नाक में दम कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे की एक महत्वपूर्ण वजह है, क्योंकि आज की तारीख का हर नेता भ्रष्टाचार के समंदर में गोता लगा रहा है। हर नेता कहीं ना कहीं भ्रष्ट है। जब वह नेता किसी दूसरे नेता के भ्रष्टाचार की बात को उठाता है तो दूसरा नेता भी पलट कर कह देता है कि हम भी तुम्हारी पोल खोल देंगे। इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दल के नेता भ्रष्टाचार के मुद्दे में एक दूसरे के मौसेरे भाई हैं। जांच इसलिए भी नहीं हुई कि ग्रामीण भी खुद नहीं चाहते कि जांच हो, वह तो किसी राजनैतिक व्यक्ति के दबाव में या राजनैतिक व्यक्ति के इशारे पर थोड़ी बहुत उछल कूद कर लिए थे। नहीं तो यदि पूरे ग्रामीण इस बात को लेकर एकजुट हो जाते और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन, प्रदर्शन, धरना करते तो भला क्या मजाल थी कि जिला प्रशासन के अधिकारी इस पूरे भ्रष्टाचार को पचा जाते। सिर्फ रहिकवारा तक भ्रष्टाचार हुआ हो ऐसा नहीं है। पनगरा में सचिन यादव नामक सचिव ने व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया। इसके बाद वर्तमान में वह दुरेहा में भ्रष्टाचार कर रहा है। दुरेहा में आंगनबाड़ी भवन बना नहीं और उसका पूरा पैसा निकाल लिया गया, लेकिन जिला पंचायत के जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह से भ्रष्टाचार करने वाले भ्रष्टाचारियों का भरण पोषण करने में लगे हुए हैं। जिले के जिम्मेदार नेता उन अधिकारियों का भरण पोषण कर रहे हैं जो भ्रष्ट नेताओं, भ्रष्ट लोगों का भरण पोषण कर रहे थे। ये जिले के जिम्मेदार नेता और जिले के जिम्मेदार अधिकारी भ्रष्ट हैं या भ्रष्टाचार का भरण पोषण कर रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार है सिर्फ जनता, क्योंकि वह जनता अपने हक के लिए लड़ना नहीं चाहती। भला हो जिला पंचायत के सदस्य ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का, जिन्होंने संचार संकल्प समिति के सभापति के नाते इस जांच के बारे में जानकारी ले ली। इसके अलावा तो जिला पंचायत के किसी भी सदस्य ने इस भरी गर्मी में किसी भी सदस्य ने इस भ्रष्टाचार के बारे में कोई जानकारी लेना मुनासिब समझा ही नहीं। इस पूरे मामले में जिला पंचायत के सारे सदस्य इस भरी गर्मी में भी कंबल ओढ़ कर सो रहे हैं। विधायक सांसद को इस तरीके के भ्रष्टाचार से कोई लेना देना ही नहीं है। आखिरकार इस सतना जिले का होगा क्या? लोग कहते हैं कि विकास की दौड़ में सतना रीवा से पीछे रह गया है। पीछे तो रहेगा ही। जब पंचायत स्तर पर इस तरीके का भ्रष्टाचार होगा और नेता तथा अधिकारी इस तरीके का भ्रष्टाचार करने वालों के गले में हाथ डालकर घूमेंगे, उनके साथ चाय पियेंगे, जांच रिपोर्ट छुपाएंगे, जांच नहीं करने देंगे, आखिरकार ऐसे में कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के विरुद्ध यदि आवाज भी उठाए तो कैसे उठाए, क्योंकि भ्रष्टाचार के समर्थन में नेता भी है, अधिकारी भी है। अब देखना यह है कि ज्ञानेंद्र सिंह इस पूरी जांच रिपोर्ट के मामले में कितने दिन तक गंभीरतापूर्वक आवाज उठाते हैं या उन्हें भी
भ्रष्टाचार के भस्मासुर अपने पक्ष में करके चुप रहने के लिए मजबूर कर देते हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।